अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका होस्ट मोहम्मद रहमान हमारा एजुकेशनल अकेडमी से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा आर्टिकल का जो लेक्चर है वो है मल्टीप्लाई टेक्स्ट और सिंगल टेक्स्ट कैसे लिखना है और इसे कैसे एडिट करना है। चलिए चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर पर। मल्टीपल टेक्स्ट की शॉर्टकट का माना हुआ है एम टी इंटर। एम टेक्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर दिया मैंने, ये हमें ब्लॉक नज़र आ रहा है, नीचे पूछ रहा है हमें एम टेक्स्ट स्पेसिफाई ऑपोजिट कॉर्नर हाइट जस्टिफाई लाइन पेशन स्टाइल विड्थ कॉलम्स। अब मैंने सेट कर लिया। अब जो भी हम लिखेंगे वो इस ब्लॉक के अंदर ही लिखेंगे। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसका साइज 2 कर दिया और अपने कीबोर्ड का मेन इंटर प्रेस किया। कंट्रोल जी, दोबारा से मैं बना रहा हूँ कॉलम। मैं अकेला एम आर लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखें बिल्कुल छोटा सा शो हो रहा है ये वाला। इस पर अगर मैं डबल क्लिक किया, सेलेक्ट किया, साइज 2, मेन इंटर, यहाँ से मैं क्लोज कर रहा हूँ। देखिए हमारा क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको बना लेता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ मैंने 3 एंटर किया और मेन इंटर कीबोर्ड का। मैंने 2 एंटर कर दिया यहाँ पे और क्लोज एडिटर। अगर आपको ऐसे डबल क्लिक करने से इसको नहीं ओपन एडिट करना तो इसकी शॉर्टकट कमांड है ED Enter। यहाँ पे पर क्लिक करेंगे तो ये इसे एडिटर में ले आएगा। यहाँ से आप इनोवेटिव कर सकते हैं, स्टैंडर्ड में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ से आप मैच कर सकते हैं, ये मास्ट है, यहाँ पे आप बोल्ड कर सकते हैं इसको। बोल्ड यहाँ से भी इटैलिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ओवरलाइन कर सकते हैं यहाँ से।
यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोअर और अपर कर सकते हैं। यहाँ से अपने जो आपने अल्फाबेट लिखी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इसका साइज, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जस्टिफिकेशन है, यहाँ पे आप टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, यहाँ से आप मुख्तलिफ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना चेंज कर सकते हैं। टोटली लिखा हुआ ये कॉलम्स हैं, यहाँ से आप सिंबल डाल सकते हैं। ये फील्ड आ गई, यहाँ से आप फील्ड चेंज कर सकते हैं, मिंट कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। आप यहाँ से मुकम्मल एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट, फिनिश सर्चिंग, तो यहाँ पे इसे क्लोज करें। और अगर आपने इस को जो आपने लिखा हुआ है इसको डिक्शन देनी है, आर ओ एंटर से सिलेक्ट सब्जेक्ट इंटर, यहाँ से फॉन्ट से आप इसकी वो है वो आप चेंज कर सकते हैं, इसका एंगल। उसके बाद आगे आ जाता है सिंगल लाइन टेक्स्ट, जिसकी शॉर्ट कमांड है डी टी इंटर। इसे आप टेक्स्ट भी लिखकर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैं करूँगा डी टी इंटर। मुझे पूछ रहा है टेक्स्ट स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट और जस्टिफाई एंड स्टाइल। फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने, मुझे पूछ रहा है टेक्स्ट स्पेसिफाई हाइट, कितनी हाइट रखनी है इसकी, मैंने 2 इंटर कर दिया। रोटेशन एंगल क्या है इसका, तो यहाँ पर मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए लाइन के ऊपर लिखा जा रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए बिल्कुल लाइन के ऊपर क्रिएट हुआ है ये वाला। अगर आपको लाइन के ऊपर नहीं लिखना वैसे ही इसको यहाँ पे क्रिएट करना है, तो डी टी इंटर फर्स्ट पॉइंट 2 इंटर 45 इंटर डिफॉल्ट है, मैंने डिग्री दी है ये वाली, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम। इसका और इसके एंगल में फ़र्क आ रहा है, ये 45 है, इसका जो एंगल मैंने दिया नहीं था, तो मैंने सिर्फ एक लाइन क्रिएट करके ये लिख लिया था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मेरा चैनल एम आर एजुकेशनल अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।